आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा आपके साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र हिंदी न्यूज में। रुक करेंगे आज की खबरों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में वित्त मंत्री सरकारी योजनाओं की परफॉर्मेंस और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को लेकर चर्चा करेंगी। इसी के साथ लोन देने वाले संस्थानों के प्रदर्शन की भी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। सूत्रों के हवाले से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में तेजी लाने के लिए बैंकों से उत्पादक क्षेत्रों को अधिक लोन देने का आग्रह किया जाएगा। गौरतलब है कि इस समय आर्थिक मोर्चे पर रूस यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न कारणों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के प्रदर्शन की गहन समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दायरे में लोन सुविधा गारंटी योजना भी शामिल होगी। इस साल के बजट में ECLGS को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस योजना के लिए गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5,00,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये बैठक ऐसे वक्त में आयोजित की जा रही है जब सभी पीएसबी ने लगातार दूसरे वित्त वर्ष में लाभ कमाया है। ऐसे में इस बैठक में सरकार बैंकों से अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का आवंटन बढ़ाने के लिए कह सकती है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अखिलेश यादव रोजगार और युवाओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि बीजेपी ने जनाधार खो दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी सरकार का चारों ओर विरोध हो रहा है। सपा नेता ने एक ट्वीट में कहा, देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका, असुरक्षा का भाव है। देश के विकास के लिए घातक साबित हो सकता है। सरकारों का दायित्व है कि देश के वर्तमान को सुधारना और भविष्य को संवारना है। बीजेपी सरकार का चतुर्दिक विरोध दर्शा रहा है कि बीजेपी ने जनाधार खो दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, राय, सलाह, मंत्रणा, समिति, मशवरा, परामर्श, विचार विमर्श, संयुक्त निर्णय, सामूहिक बैठक, ये लोकतांत्रिक शब्द बीजेपी शब्दकोश में है ही नहीं। तभी बार बार देश पर मनमानी भरे फैसले थोपे जाते हैं, जिससे देश की ऊर्जा और जनशक्ति सरकार की जन विरोधी नीतियों और योजनाओं के विरोध में ही बर्बाद हो रही है। अगली खबर की ओर रुक करेंगे, जो कि जुड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ को एक बार फिर अवसर मिला है। इस बार आजमगढ़ की जनता कुछ उगना नहीं चाहिए, डबल इंजन की सरकार के साथ आना चाहिए, जिससे कि विकास को गति मिल सके। उन्होंने उपस्थित जनसभा की प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी उनकी है और विकास की जिम्मेदारी हमारी। हम आशा करेंगे कि इस बार जनता भ्रमित नहीं होगी और बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को संसद चुनकर अपनी मांगों को पूरा करवाने का निर्वहन करेगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 4 दिन बाकी हैं, इन दिनों में घर घर जाकर वोट देने की अपील करें। अग्निपथ पर सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। अग्निपथ एक अच्छी स्कीम है, जिसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसके बाद सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। तो जितने भी राजनीतिक दल अपनी रोटियां इस आग में सेक रहे हैं, वो ये करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ देश को नुकसान पहुंचा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के पास शिवालिक की पहाड़ियों में बने सुख विलास होटल को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है और सुखबीर बादल ने सीएम भगवंत मान को चैलेंज कर दिया है। बादल ने कहा कि भगवंत मान जो इंक्वायरी करवाना चाहते हैं करवा ले, हमें कोई फिक्र या परवाह नहीं। हिम्मत है तो सुख विलास के कागज मंगवा ले। जिंदगी में ना हमने कोई कानून तोड़ा है और ना ही तोड़ेंगे। भगवंत मान को पता ही नहीं कि सरकार कैसे चलानी है।
मान ने सुखविलास होटल की जांच कर कार्रवाई की बात कही थी, जिस पर सुखबीर बादल ने ये प्रतिक्रिया दी है। सीएम भगवंत मान ने संगरूर में प्रचार के दौरान कहा कि सुखविलास होटल का नाम तो सबने सुना होगा, ये होटल शिवालिक की पहाड़ियों में बना हुआ है, सुखबीर बादल का होटल है, वो जंगलात महकमे की जमीन है, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। सुखबीर बादल ने अपने हक में फैसला किया, इसके भी कागज निकलवा रहे हैं। सीएम मान ने कहा था कि सुबह 5 बजे उठकर फोन चेक कर लेना, सुबह 3-3:30 बजे तक कोई ना कोई बड़ा तो होता ही है, जिन्होंने पंजाब को लूटा उनसे एक एक पैसे का हम हिसाब चुट्टा करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि अमेरिका में गोलीबारी की घटना को लेकर। अमेरिका में जो गोलीबारी की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार रात को भी वॉशिंगटन डीसी के यू स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट में एक म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई। इसमें एक टीनेजर की मौत हो गई जबकि पुलिस अधिकारी सहित 3 लोग घायल हो गए। डीसी पुलिस यूनियन ने भी इसकी पुष्टि की है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय अमेरिकी मीडिया आउटलेट के अनुसार शूटिंग 14वें और यू स्ट्रीट पर मोचेला नामक एक जुनेटिन म्यूजिकल प्रोग्राम की साइट पर हुई। इसमें एक एमपीडी अधिकारी के पैर में गोली लगी और उसी के साथ कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। खास बात यह है कि ये इलाका व्हाइट हाउस से 2 मील से भी कम दूरी पर है। हाल ही में अमेरिका में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए अमेरिका को हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का, उन्हें खरीदने के लिए उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि ये किसी का अधिकार छीनना नहीं है, ये बच्चों परिवारों और समुदायों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे जो जुड़ी है साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से। साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साइबर सुरक्षा पर जोर दिया। शाह ने कहा, आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तकनीकी का इस्तेमाल निचले स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन आज के युग में भारत का विकास बिना साइबर सुरक्षा के नहीं किया जा सकता। भारत के निर्माण के लिए साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की पहल से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तकनीकी के इस्तेमाल को हर स्तर पर ले जाया जा रहा है, लेकिन अगर साइबर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो यही ताकत हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। अमित शाह ने कहा, यदि कोई साइबर सुरक्षित भारत की कल्पना करता है तो इसका आधार जन जागरूकता है। टेक्नोलॉजी जितना चाहे सुरक्षा सुविधाओं पर शोध कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का विजन है कि हर भारत टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जरिए खुद को सशक्त बनाए। ऐसे में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण हमारे जीवन में सशक्तिकरण और सकारात्मक बदलाव जरूर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।